लॉकडाउन में थिएटर, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद पड़ा है। ऐसे में एंटरटेनमेंट का कोई जरिया बचा है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर हाल ही में वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज हुई। सीरीज को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं, जिसे देखकर ऑडियंस भी सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड होने लगी। हालांकि जब ऑडियंस ने सीरीज को देखा तो कईयों को ये सीरीज नहीं पसंद आई और सीरीज पर कई तरह के आरोप लगने लगे। ट्विटर पर पिछले दिनों बैन पाताल लोक काफी ट्रेंड किया। शो के कुछ सीन्स में हिंदू विरोधी संस्कृति दिखाने और गौमांस खाने का महिमंडन करने पर नेटिजंस ने अनुष्का शर्मा और शो की कड़ी निंदा की है। इसके बाद ट्विटर पर बैन पाताल लोक ट्रेंड करने लगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीरीज को लेकर यूजर्स ने क्या लिखा। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इस तरह की हिंदू विरोधी सीरीज को अब बढ़ावा देना नहीं चाहिए। चलिए हैशटैग बैन पाताल लोक ट्रेंड करते हैं, हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मूल रूप से पाताल लोक हिंदू विरोधी ब्राह्मण विरोधी शो है। लीला से लेकर पाताल लोक जैसी वेब सीरीज लोगों को हिंदू फोबिक बनाने के लिए एक निरंतर प्रयास है। खैर, अब यूजर्स के इतने कमेंट्स के बाद हमें भी लगा कि हमें इस सीरीज के उन सीन्स पर बात करनी चाहिए जो हमारी नजर में आपत्तिजनक थे। सीरीज हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक विरोध की मंशा से नहीं बनाई गई हो, लेकिन बावजूद इसके कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपत्तिजनक है। यही वजह भी है कि लोग इस पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। सीरीज का नाम है पाताल लोक। हमारे शास्त्रों में दुनिया को तीन लोकों में बांटा गया है, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। स्वर्ग लोक जहाँ देवता रहते हैं, धरती लोक जहाँ आम लोग रहते हैं और तीसरा पाताल लोक जहाँ राक्षस यानी कि क्राइम करने वाले लोग रहते हैं। कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, लेकिन सीरीज में इन तीनों लोकों को इस तरह से नहीं बांटा गया है, बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया गया है। माना OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, पर क्या 2020 में ये लॉजिक काम करता है कि स्वर्गलोक में सिर्फ हिंदुत्व का राज है जो धरती लोक और पाताल लोक पर अत्याचार करता है, और दलित और मुसलमानों के नसीब में पाताल लोक ही है क्योंकि उन्हें वहां रहने के लिए स्वर्गलोक के लोगों ने मजबूर किया है। सीरीज के दूसरे ही एपिसोड में चारों क्रिमिनल्स में से एक फीमेल क्रिमिनल को महिला कांस्टेबल गंदी गंदी गालियां देती है, उसे नेपाली कहकर संबोधित करती है। आप जानते हैं आज कितने पूर्वी भारतीय लोगों को चीनी नेपाली कहकर चिढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि इन दिनों उन्हें कई लोग कोरोना भी कहने लगे हैं। ऐसे में सीरीज में इस तरह की चीज को बढ़ावा देना कितना गलत है। दूसरी चीज जो शो में आपत्तिजनक थी वो कि कास्टिज्म को ग्लोरीफाई करना। सीरीज में क्रिमिनल्स कास्टिज्म का शिकार दिखाए गए हैं। देखकर लगा कि ये कहानी 2020 में नहीं बल्कि आजादी से पहले बननी चाहिए थी। सेम चीज मुस्लिम समुदाय के साथ भी दिखाई गई है। मुस्लिम है तो टेररिस्ट ही होगा। मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को उसके डिपार्टमेंट वाले अलग नजर से देखते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। LGBT कम्युनिटी की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी गई है। पुलिस वाला सबके सामने उसके कपड़े खोलता है, उसे दूसरे लड़कों के साथ खुले में नहाने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़का जमुना पार से है तो नशेड़ी ही बनेगा। इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं जो सीरीज में आपत्तिजनक लगते हैं और कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पाताल लोक का ट्रेलर आया था तो लगा था कि सीरीज में क्राइम की वो दुनिया देखने को मिलेगी जहां क्रिमिनल्स के माइंड को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके उलट सीरीज में समुदाय को पाताल लोक, स्वर्ग लोक और धरती लोक में बांट दिया गया और इस तरीके से दिखाई गई एक अलग दुनिया। मेकर्स ने सीरीज को बनाने में काफी मेहनत की है, लेकिन इसकी राइटिंग कई जगह गलत धारणा देती है जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हिंदुत्व पर उंगली उठाकर उसे किसी भी गुनाह के लिए गुनहगार बना देना मेकर्स और राइटर के लिए सबसे आसान तरीका हो गया है। इससे पहले नेटफ्लिक्स की सीरीज लैला में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था। इसके अलावा भी कई सीरीज हैं जिनमें इस तरह के कास्टिज्म को ग्लोरीफाई किया गया है। ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर है जहां दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें देख सकता है। ऐसे में उनके मन में हमारे देश के प्रति किस तरह की धारणा बनेगी, ये सोचने वाली बात है। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।